बर्फ पड़ रहा है। हम लोग यहाँ इस नीचे इस जगह के नीचे छुपे हुए हैं। बर्फ़ तो अच्छी लग रही है लेकिन बाइक चल नहीं रही क्योंकि चश्मे के आगे बर्फ़ जम जाती है। अच्छी बात है बर्फ़ पड़ी, गंदी बात है हम पहुँच नहीं पा रहे। कहाँ से पहुँचना था हम लोगों को जल्दी, नाकों से निकले तब थोड़ी बहुत बर्फ़ थी, यहाँ से बहुत तेज गिरने लगी। देखते क्या होता है। जैसे जैसे हम ऊपर के एल्टीट्यूड में पहुंचते हैं, पहाड़ों के अंदर टेम्परेचर और वेदर जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है। मैंने लोगों से पूछा यहाँ के गांव के लोगों से, तो वो बता रहे थे कि इस साल बर्फ़ पड़ी ही नहीं है, लेकिन अप्रैल में एकदम से ये बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। हम लोग ज़्यादा स्वेटर या जैकेट नहीं लेके आए थे, मैंने बस एक स्वेटर और एक अपर पहना हुआ है। बहुत ज़्यादा बर्फ स्नोफॉल हो रही है और बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब पूरे हाथ पैर जम चुके हैं बिल्कुल। अभी भी 15 किलोमीटर रह गया है काजा। मौसम बहुत ख़राब हो गया पता नहीं कैसे। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा था, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बा बदल गए। बड़ी बड़ी नदियों का रिवर रेनाइंस और बड़े बड़े पहाड़ दूर दूर बर्फ के बिल्कुल, ये देखने आए थे स्पिति में। देखो पहाड़ों की अजीब सी ये रेंजेस जैसी है, बहुत ही अजीब सी है, इसे लगा दिए हैं लाइन से। फाइनली वी रीच्ड काजा, इसी के लिए निकले थे हम लोग, अभी पहुंचे, 2 दिन लग गए। क्या वेलकम हुआ है, बर्फ़ ही बर्फ। अब यहाँ हॉस्टल ढूंढेंगे, हॉस्टल दिखाएं, वहाँ पूछ रहे हैं प्राइस का, रूम अवेलेबिलिटी का। इसके बाद देखते हैं आगे और भी हॉस्टल है, बहुत हॉस्टल है यहाँ। देखो चारों तरफ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी टूरिस्ट वैन खड़ी है। देखो आखिरकार अपनी बाइक पहुँच ही गई बिना किसी प्रॉब्लम के।